तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार। मेरा नाम है राज, नाम दोस्त सुनाइए बता। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया क्यों हार गई हांगकांग से। अरे भैया इंडिया कब आ रही है हांगकांग से, कल तो जीती है ना इंडिया। अरे भाई सही कह रहे हो तुम, इंडिया जीती जरूर है, बट उसे जीत कहते हैं नहीं। हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि इंडिया आज आएगी हांगकांग की बजाएगी बहुत तगड़े से, कि आगे भैया छक्के छक्के, रोहित शर्मा मारेगा 200, शिखर धवन मारेगा 300, बहुत कुछ सोचा था यार। इतना सोचा नहीं था इतना क्लोज कंपटीशन होगा। और पर्सनली मैं क्या कहता हूँ कि जो हांगकांग है उसने हमारी जो इज्जत है, मतलब जो रिस्पेक्ट है वो अर्न कर लिया भाई। क्या मतलब, मेरा विश्वास नहीं हो रहा कि हांगकांग, कसम से मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम मैच देखोगे तो जहां पांचवें ओवर तक यही लग रहा था कि हाँ हांगकांग जिता सकती है। शुरुआत के तो 30 ओवर 34 ओवर तक तो मैं लगभग 60% हो गया था कि आज लगता है हांगकांग जीतेगी। वो अलग बात है, बाद में खलील ने और बाकी प्लेयरों ने अच्छा खेला, कमबैक किया, बट एक बार के लिए तो यही लग रहा था कि हाँ भैया आज तो इंडिया गई, इंडिया की नैया डूब गई है। चलो कोई बात नहीं, अब बात आती है, अब इसके बाद है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, उसमें देखते हैं क्या होता है। हांगकांग ने जब बॉलिंग करने का निर्णय लिया था तो मेरे को लग नहीं रहा था कि हाँ भैया ये सही निर्णय है, क्योंकि जहां तक मेरे हिसाब से ये करना था कि पहले टारगेट देना था उसके बाद उसको डिफेंड करना, बट हांगकांग ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया और इंडिया को एक घुसा मारा और इंडिया नॉकआउट नहीं हुआ। पर इंडिया नॉकआउट नहीं हुआ, हमारे बंदे संभल गए और उन्होंने पंची पंच मार के बाद में आखिरकार हांगकांग को नॉकआउट कर ही दिया। गलती क्या थी, गलती सबसे पहले ये थी कि मेरे हिसाब से जहाँ पे शार्दुल ठाकुर को जो उन्होंने चांस दिया, वहां शार्दुल ठाकुर की जगह चाहर को चांस देते तो शायद कुछ मैच अलग होता, वो भी एक बढ़िया प्लेयर है, शार्दुल ठाकुर भी बढ़िया प्लेयर है, बट चाहर को चांस मिलना चाहिए था क्योंकि वो हमारे यहाँ से भी है और मतलब प्लेयर भी बढ़िया है। तुमने देखा यार कि आईपीएल में कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, चाहर को मौका मिलना चाहिए था। और जहां पे दिनेश कार्तिक थे वहां केएल राहुल होना चाहिए था। कुछ भी कहो, मानो ना मानो, इंडिया की ओपनिंग सही रही, हालांकि जो रोहित शर्मा है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट इंडिया की ओपनिंग ऑलमोस्ट सही रही, रायडू और धवन ने मिलकर संभाल लिया। बट उसके बाद आती है मिडल ऑर्डर की बारी, जो कि थोड़ा सा कमजोर लगा। मिडल ऑर्डर में उतना अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, धोनी भैया भी आए गए कुछ ज्यादा टाइम नहीं टिके, और साथ में जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी थी यहाँ इंडिया के मिडल ऑर्डर की, जो कि केएल राहुल के आने से शायद थोड़ी सही हो जाए। अब दिनेश कार्तिक को और चांस मिलने चाहिए, तुम क्या कहते हो? मेरे हिसाब से नहीं मिलने चाहिए, हालांकि उन्होंने हमें कप जिताया है, बट दैट डजंट मैटर। अगर कोई प्लेयर इस वक्त अच्छा नहीं खेल रहा है तो वो नहीं खेल रहा है, उसको टीम से निकालना ही पड़ेगा। और कल के मैच में हार्दिक पांड्या भी नहीं थे, हार्दिक पांड्या को कैसे बाहर रख सकते हो भैया, जब मैच आगे इतने सारे स्पिनर हैं और हार्दिक पांड्या को बाहर रखा है, ये बहुत बड़ी गलती थी यार। अगर हार्दिक पांड्या होता मे बी स्कोर 300 पार हो जाता, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ, अगर हार्दिक पांड्या होता तो कितना स्कोर होता। तो बस यही कुछ गलतियां थी मेरे हिसाब से, इंडिया ऑलमोस्ट मैच हार चुकी थी, इसे जीत मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इस लेवल पे पहुंचेगा। और हांगकांग तुम्हारे लिए यार रिस्पेक्ट है यार, बहुत बढ़िया खेले। अब हांगकांग का अंतरराष्ट्रीय स्टेटस हटा दिया गया है, मतलब हट गया, क्योंकि अगर एशिया कप जीतती तो शायद थोड़ा नाम होता, बट एशिया कप नहीं जीत सकी ना आगे और कोई मैच खेल पाएगी, अब उनको दोबारा से नेपाल वगैरह से लड़ना पड़ेगा। पर अब की बार में चाहता नहीं हांगकांग आया, अब की बार आया नेपाल, जिसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, हांगकांग को हम सपोर्ट क्यों करेंगे भैया। तो बस यही कुछ कमियां थी जो इंडियन टीम ने की, जिसकी वजह से हम हार गए, बट मेरे को लगता नहीं आज के मैच में वो गलतियां की करेंगे। और प्लस में मेरे को लगता है कहीं ना जो इंडियन प्लेयर है ना, इन्होंने हांगकांग को थोड़ा कम सीरियस ले लिया, तुम्हें क्या लगता है? मतलब उतना वो जब होता है ना जोर लगाने वाली बात, उतना दिखाई नहीं दिया शुरुआत में, तो मुझे तो ये लगता है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कमेंट में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, कर दो। तो बाय बाय, शुभ बगैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।